पद्मावती की रिलीज डेट टलने के बाद भी इस फिल्म पर घमासान जारी है। पद्मावती को लेकर अब सियासी दल भी बट चुके हैं। जहां बीजेपी के कई नेता फिल्म का खुलेआम विरोध कर रहे हैं, तो वहीं विपक्षी पार्टियों के नेता फिल्म के सपोर्ट में नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी पद्मावती का सपोर्ट किया है, लेकिन उन्हें ऐसा करना भारी पड़ गया। दरअसल पद्मावती का सपोर्ट करते हुए ममता बनर्जी ने ट्विटर पर लिखा था, ये पद्मावती विवाद खेदजनक ही नहीं बल्कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी की अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म कर देने की सोची समझी चाल है। पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री को एक साथ जुट इसका विरोध करना चाहिए। ममता बनर्जी ने इस ट्वीट में अभिव्यक्ति की आजादी शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन ट्विटर यूजर ने उन्हें याद दिलाया कि कैसे खुद ममता बनर्जी ने फिल्म जुल्फिकार की रिलीज से पहले उस पर ढेरों कट लगा दिए थे। शेख मोहम्मद ने ममता बनर्जी को जवाब देते हुए लिखा, शेमलेस ममता बनर्जी आल्सो ऑर्डर्ड सेंसरशिप ऑफ द सेवरल सीन्स फ्रॉम ए बंगाली फिल्म जुल्फिकार अंडर प्रेशर फ्रॉम द वेरियस रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप एंड मुस्लिम्स ऑफ बंगाल एज दे कॉन्स्टिट्यूट हर मैन ब्लॉक वोट बैंक्स। This is free speech in West Bengal. हेमेंद्र सिंह ने ममता के ट्वीट पर लिखा, While people are dying due to dengue and doctors gets arrested for the FB post, but state CM is busy defending freedom of expression of Bollywood. आशीष गोस्वामी ने ट्विटर पर लिखा, Your Mamta official has imposed super emergency in the state of Bengal since the last 8 years. Talk on that matter before. प्रभाष कार खोसला ने ममता को इस तरह जवाब दिया, हिपोक्रेसी डाइड आफ्टर ममता बानो टुडेज ट्वीट। अब ममता बनर्जी के पास इन आरोपों का क्या जवाब है ये ममता ही बेहतर जानती होंगी, लेकिन हम तो इतना ही कहेंगे कि ममता को पद्मावती का सपोर्ट करना भारी पड़ गया।